हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। ओटीआर का प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो गया है। आप लोग जाइए और ओटीआर को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ कॉल और मैसेज आए हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने अपने ओटीआर को अपडेट कर लिया है। तो जो प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट करो, फॉर्म भरो, कहानी खत्म करो, ठीक है। बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। तो अपने लॉग इन कीजिए, डैशबोर्ड में जाओगे तो जैसे डैशबोर्ड पहले दिखता था ना, वैसे नहीं दिखेगा, बल्कि आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, नीचे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे आप अपने मोबाइल नंबर को भी बदल सकते हो, ईमेल आईडी को भी बदल सकते हैं, कैटेगरी भी आपकी बदल जाएगी। अब किसी ने पिछले साल गलती से कोई भी कैटेगरी चूज कर लिया, ऐसे भी है महानुभाव, तो वो भी आपका बदल जाएगा। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, बदल जाएगा। या बीच में आपने कहीं आपकी नौकरी हो गई, आप नौकरी ज्वाइन कर लिए हो, तो वो इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है। एनओसी अपडेट करना है, तो वो सारे ऑप्शन खुल गए हैं, जाइए और अपडेट कर लीजिए। आई थिंक अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भी किसी का कोई रिक्वायरमेंट रह जाता है, कुछ ऐसा है जो कि छूट जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप मेल करते रहिएगा, क्योंकि आयोग आपके मेल पर ठीक कर रही है चीजों को। आयोग को आपके मेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो उनके पास मैसेज जा रहा है, उस पे वो अपना सुधार कर रही है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी गड़बड़ी हो तुरंत मेल कीजिए, तो हो सकता है 2-3 दिनों में वो चीजें ठीक हो जाए। अभी तक का ये इंफॉर्मेशन है, फिर भी कुछ छूट रहा हो तो मेल कर देना। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे पास मैसेज करने से कोई फायदा तो है नहीं, तो आप वहां पे सीधा मेल कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो जाइए, फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के कहानी को समाप्त करो, पढ़ाई में ध्यान लग जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।